हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक। आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए अजितनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभ, ऑप्शन डी महावीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभ। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभ और 23वें पार्श्वनाथ और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मान्यता प्राप्त है। मतलब महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी गायत्रिक, ऑप्शन सी मल्लास, ऑप्शन डी लिच्छवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गायत्रिक। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम के गायत्रिक कुल के प्रधान सिद्धांत के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम तिरिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये गायत्रिक कुल वंश के थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी सम्यक दृष्टि, ऑप्शन डी सम्यक चरित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्यक दृष्टि। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जो सम्यक दृष्टि इनमें से नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी चार्वाक, ऑप्शन डी जमाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य भी था और इनका दामाद भी था जमाली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी महान शिक्षक, ऑप्शन सी महान प्रचारक, ऑप्शन डी जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीन। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी के कैवालीन जीन, मतलब जीन का अर्थ था विजेता, और निग्रंध जिसका अर्थ होता है बंधन रहित कहलाए, मतलब वर्धमान और किस नाम से विख्यात थे? जीन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी अनुजा, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी देवनंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशला। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गायत्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रबंध, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी चरित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग।
जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जा गया है। अंगों की कुल संख्या 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कहाँ कौन सा था? ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी लुम्बिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावा। भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावा में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखनाद विधि यानी जैन विधि से ही प्राणों का त्याग किया था। ये रहा टोटल जैन धर्म के 10 महत्वपूर्ण सवाल जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।